बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज स्टार सिमी ग्रेवाल आज अपना 76वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन तक का जिम्मा उठाने वाली सिमी ग्रेवाल ने लाइफ में हर तरह की कामयाबी, शोहरत और फेम देखा। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ से हटकर पर्सनल लाइफ में इनकी जिंदगी उतनी कलरफुल नहीं रही। सब कुछ पास होने के बाद भी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको आज भी एक बात का अफसोस रहता है। फेमस इंडियन एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शो होस्ट करने वाली सिमी ग्रेवाल ने बेहद ही कम उम्र में इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। हिट फिल्म देने से लेकर फेमस सेलिब्रिटीज के साथ रिलेशन में रहने के चलते उस दौर में उनके नाम पर खूब कॉन्ट्रोवर्सीज होती थी। राज कपूर से लेकर क्रिकेटर मंसूर अली खान के साथ रिलेशन की खबरों के बीच बेहद ही कम उम्र में उन्होंने दिल्ली के चुनामल घराने के रवि मोहन संग सात फेरे लेकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि शादी सिर्फ 3 साल तक ही चल पाई। एक इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि रवि मोहन एक अच्छे इंसान थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। इन सब के चलते सिमी ने बताया कि सिमी कभी माँ नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने बताया कि मैं एक बेटी गोद लेने वाली थी जिसको उसके घर वालों ने रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। रूल के चलते मुझे उसकी फोटो अखबार में देनी पड़ी, लेकिन 3 महीने तक तो कोई बच्चे की सुध लेने नहीं आया। लेकिन जैसे ही मुझे उसकी कस्टडी मिलने वाली थी, बच्ची के माता पिता सामने आ गए और मेरा दिल टूट गया। तब वो एक दौर था और आज का समय है। मैं आज भी अपने माँ ना बन पाने के कारण से अपनी जिंदगी में अंधेरा महसूस करती हूँ।